नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हार्दिक, आपका होस्ट और दोस्त। चलिए फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे चैनल सफरनामा द एक्सप्लोरर में। अभी हम फाटा से निकल रहे हैं और जाएंगे बद्रीनाथ, जो बड़े चार धाम और छोटे चार धाम में आया हुआ है। बड़े चार धाम में बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम बोले जाते हैं, और छोटे चार धाम अगर गिनो तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार और बद्री है। तो केदार के दर्शन करके तो आगे है, अभी चलते हैं बद्री। यहाँ से फाटा से है 204 किलोमीटर जैसा ही, पर 8 से 10 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि ये जो भी है रास्ता वो थोड़ा पहाड़ी इलाका है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए सफ़र शुरू करते हैं, और रास्ते में बहुत ही अच्छे अच्छे नज़ारे हैं, तो नज़ारों का भी मज़ा दिखाएंगे आपको। तो चलिए चलते हैं। अभी आगे जाते हुए विष्णु प्रयाग करके एक जगह है, वहाँ विष्णु जी का एक मंदिर आया हुआ है, आप सामने देख सकते हैं। और ये लोकेशन देखिए, ये अलकनंदा बह रही है, लोकेशन यहाँ एक से एक है, बढ़िया। फाइनली ऑलमोस्ट 12 घंटे की जर्नी के बाद पहुंचे हैं, शाम हो गई है। देखिए आज भीड़ बहुत ही है, तो ऐसे बाजार में से होके जा रहे हैं। ये सामने जो दिख रहा है ना, वो मंदिर है मेन, और आप अगर देख सकते हो तो भीड़ भी देखिए, बहुत ही भीड़ है। अभी 7:30 का टाइम हो रहा है, 9 बजे बंद हो जाता है मंदिर, तो मुश्किल है दर्शन करना, पर देखते चलो अटेम्प्ट करते, अगर अभी नहीं हुआ तो फिर सुबह दर्शन करेंगे। अभी रस बहुत ही है, तो वापस जा रहे हैं, सुबह आएंगे। और ये देखिए भीड़ बहुत ही है, एक घंटे में नंबर नहीं लग पाएगा, तो देखते हैं सुबह आएंगे आराम से। अभी देखिए सुबह के 5:30 बजे है, यहाँ जल्दी सवेरा हो जाता है, उजाला जल्दी हो जाता है, और शाम को अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। और ये व्यू देखिए, हम जो रुके थे वो प्लेस है, और यहाँ से ये बर्फ का है ना पहाड़ बिल्कुल नजदीक है, और सर्दी बहुत ही जबरदस्त है। देखो लोग ना ठिठुर गए ठंड में। केदारनाथ और यहाँ पे ना ठंड बहुत ही है भाई, तो आप आओ तो अकॉर्डिंग थोड़ा गर्म कपड़े वगैरह लेके आइएगा। यहाँ सुना है कि रबड़ी अच्छी मिलती है बहुत ही, तो बस मार्केट से जा रहे हैं, थोड़ा रबड़ी वबड़ी पी के फिर चलते हैं दर्शन को। देखिए ये रास्ते में से ना केसर बादाम दूध मिल जाता है, तो ठंड में बहुत ही सही है, गर्मा गर्म और एक नंबर है, मस्त उबला हुआ हल्दी वगैरह डाल के अच्छा दूध है, तो आइए तो ट्राई करिएगा। देखिए थोड़ा लाइन में लगे, भीड़ है थोड़ा आज, पर ये लोग बोल रहे हैं कि इतना भी नहीं है। और ये व्यू देखिए, नज़ारे यहाँ एक से एक है, और ये पीछे भी भीड़ हो गई है। देखिए देखते हैं कब नंबर लगता है। और ये नीचे जो आपको धुआं जैसा दिख रहा हो ना, वहाँ पे गर्म पानी के कुंड है, तो वहाँ पे भी चलेंगे, पहले दर्शन करते हैं। बस ये अभी गेट पे पहुंचने वाले हैं, देखिए गेट पे भी भीड़ तो बहुत है। और ये नक्काशी देखिए, एकदम अलग ही आपको देखने को मिलेगी, जो फेमस मंदिर है ना, एकदम कलरफुल मंदिर है। देखिए ऊपर धूप आई है, पर यहाँ पे अभी नहीं आई है, पहाड़ का एरिया है, तो ठंड तो है ही। और ये अलकनंदा नदी निकल रही है। देखिए आप जैसे अंदर आओगे ना मेन गेट, इनके अंदर मूर्तियां दिखाने देते हैं, और साइड में ऐसे प्रसाद काउंटर वगैरह बना है। हाँ, और ये देखिए देखिए यहाँ ये पैसा देखिए घुस मार रहे हैं लोग, डायरेक्ट सेटिंग चल रहा है। और ये भीड़ देखिए, बाकी ऐसे साइड में मंदिर बने हुए है, ये देखिए मंदिर के पीछे का पार्ट है, और यहाँ ऐसे थोड़ा प्रसाद वगैरह बाकी सबको मिल जाएगा। भीड़ बहुत है, पर यार क्या है, थोड़ा अव्यवस्था ज़्यादा ही है, कोई पुलिस वाला वगैरह कोई नहीं, आप अपने हिसाब से आओ, अपने हिसाब से दर्शन करो।
तो थोड़ा भीड़ भाड़ ज्यादा ही है। ये देखिए ऐसे मेन गेट है ना, उसके पास में ही ऐसे गर्म पानी के कुंड आए हुए हैं, तो चलते वहां पे भी। ये इतनी सर्दी में भी यहाँ गर्म पानी एक अपने आप में चमत्कारी है समझो। और ये छोटा सा शिव मंदिर है, वहां भी चलेंगे। ये देखिए यहाँ पे गर्म कुंड महिलाएं के लिए अलग व्यवस्था है और जेंट्स के लिए अलग है। और आप ये देख रहे हैं ना जो धुआं निकल रहा है, वो सारी बाष्प है, बहुत ही बहुत गर्म है यहाँ पे। देखिए आप यहाँ स्नान भी कर सकते हैं, हमसे स्नान ना करो रात तक तो नहीं। देखिए इतना गर्म है पानी, कुछ दिख ही नहीं रहा है, धुंध हो गई है। चलो हम भी हाथ कर धोते। देखिए अभी जो कोई बोलता हो ना कि चमत्कार नहीं होता, तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये अलकनंदा नदी बह रही है, इतना ठंडा पानी है ना यहाँ पे। और वहां से जस्ट 5 फीट की दूरी पे ये देखिए आप, यहाँ आपका धुआं निकल रहा है, ये गर्म पानी के कुंड है। अब आप इसको जो भी मानो, अगर श्रद्धा है तो श्रद्धा के हिसाब से मान सकते हो, और चमत्कार में बिलीव करते हो तो यही चमत्कार है। और ये व्यू देखिए, चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ, बहुत ही खूबसूरत। और मंदिर के सामने ऐसे दुकानें बनी हुई है, पूरा मार्केट आया हुआ है। वहाँ आप प्रसाद से लेके जो भी बाकी की चीजें हैं मंदिर रिलेटेड या खिलौने वगैरह भी बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं। देखो यहाँ पे भी आपको ऐसे पिट्ठू मिल जाएगा, अगर किसी को चलने में इश्यू हो तो पिट्ठू की व्यवस्था यहाँ पे भी है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। और ऑल ओवर देखे ना तो यहाँ थोड़ा ठंड है, बाकी खाने पीने रहने का ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। अभी ट्रैफिक भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो अभी बस ये बद्रीनाथ कवर करके अभी हम चलेंगे माना गांव, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वरना ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो कुल मिला के आप आओ तो यहाँ रहने खाने की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर हाँ रोड थोड़े ज़्यादा ही वो है। तो देखो ना कल हमें ऑलमोस्ट 11-12 घंटे लग गए थे आने को, तो आप आइएगा अपने हिसाब से। और सर्दियों में आओ तो थोड़ा गर्म कपड़े लेके आइएगा। तो मिलेंगे नई वीडियो के, नई जगह के नई वीडियो के साथ। तब तक मजे करो यार, आओ जो, टाटा, सी यू, बाय बाय, जय हिंद।